Hi everyone, my name is Aditi Rana and today's topic is how to write a number in its short form. So what happened, our first question देखते हैं, यहाँ पे एक number है जो हमें expanded form में दिया हुआ है, आपको क्या करना है उसे compress करके short form में बताना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, 500 plus 90 plus 3, suppose कर लीजिए आपके father ने आपको remote car खरीदने के लिए इतने रुपीज दिए हैं. पहले उन्होंने 500 रुपीज दिए, फिर उन्होंने बोला थोड़े और देता हूँ ताकि कम ना पड़े, 90 रुपीज दिए, फिर उन्होंने 3 रुपीज और दिए. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड अगर आपसे पूछा जाए कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे और आपकी शॉर्ट फॉर्म निकल आएगी. ठीक है, करके देखते हैं. आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका जो गिवन नंबर है वो आपका शॉर्ट फॉर्म में निकल आएगा. ठीक है, सो द आंसर इज 593. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि फादर ने आपको रिमोट वाली कार दिलाई, मदर ने भी बोला कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सारा होमवर्क टाइम पे करते हो, तो आपको पॉकेट मनी बढ़ानी चाहिए, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए. सो फर्स्टली आपकी मदर ने आपको 100 रुपीस दिए, फिर उन्होंने 20 रुपीस और दिए, और फिर उन्होंने 2 रुपीस और दिए. सो अगर आपसे बोला जाए कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, यू विल ऐड ऑल दीज थ्री. सो हाउ यू विल डू दिस, फर्स्टली यू विल राइट लाइक दिस, देन लाइक दिस, and then you will add. okay, so your final answer will be 122. This is how you write in short form.